हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, फरहान स्पॉटेड हुआ है वी स्टाइल मैगजीन अवार्ड के इवेंट पे। और फ्रेंड्स, ये इवेंट काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है टर्किश इंडस्ट्री में, क्योंकि फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा इस मैगजीन की तरफ से जो है वो इवेंट्स को ऑर्गेनाइज किया जाता है। और फ्रेंड, दिलान और बारान दोनों इन्वाइटेड थे, लेकिन दिलान अटेंड नहीं कर सके। लेकिन फ्रेंड बारान के साथ जो हानिया अटेंड किया समन, और काफ़ी ज़्यादा इंजॉय भी किया। लेकिन फ्रेंड्स बारान काफ़ी ज़्यादा सैड भी नज़र आ रहा था, क्योंकि दिलान के अपने पर्सनल इशू की वजह से अटेंड नहीं कर पाई, तो बारान काफ़ी ज़्यादा उसको मिस भी कर रहा था। तो फ्रेंड्स, दिलान और बारान दोनों आजकल काफ़ी ज़्यादा बिजी भी हैं, सेट पे भी शूटिंग की वजह से भी, और फ्रेंड्स न्यू ईयर भी आ रही है जिसकी काफ़ी ज़्यादा जो है प्रिपरेशन वगैरह हो रही हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, बारान और दिलान जो है मेकअप नज़र आते हैं नेक्स्ट इवेंट में, लेकिन दिलान जो है उसको बारान बहुत ज़्यादा मिस करता है, क्योंकि फ्रेंड बारान और दिलान जब भी किसी इवेंट पे जाते हैं इकट्ठे जाते हैं, लेकिन आजकल दिलान की वजह से उसके पर्सनल इश्यूज़ की वजह से वो अटेंड नहीं कर पा रही। लेकिन बारान देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा सैड नज़र आया, और बारान जो नाना के साथ देखा गया, क्योंकि फ्रेंड नाना जो मानत की लीडिंग एक्ट्रेस है और नाना का रोल प्ले कर रही है। और फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे और भी टर्किश एक्ट्रेस है जिन्होंने इस इवेंट को ज्वाइन किया, और जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा और बिगेस्ट और ग्रेट इवेंट रहा, सब लोगों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। तो फ्रेंड्स, बहुत अच्छा ये टाइम होता है गेट टुगेदर का, क्योंकि फ्रेंड्स न्यू ईयर की पार्टीज भी चल रही हैं और काफ़ी ज़्यादा जो है वो इवेंट्स ही ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, तो हर इवेंट को अटेंड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है काफ़ी ज़्यादा बिजी स्केड्यूल की वजह से। तो होपफुली फ्रेंड्स, दिलान और बारान को हम नेक्स्ट इवेंट में इकट्ठे देखेंगे, और न्यू ईयर पार्टी में भी देखेंगे। अभी का सरप्राइज़ है, क्योंकि बारान ऑलरेडी रिवील कर चुके हैं अपने इंटरव्यू में कि बिगर सरप्राइज़ है, बहुत जल्द हम देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, सी यू, बाय बाय।